तमिळनाडूतील लावण्य आत्महत्या प्रकरणाने आता जोर पकडला आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ उतरलेल्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांना काल चेन्नईत ताब्यात घेण्यात आले असून नागपुरातील संविधान चौकात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदच्या कार्यकर्त्यांनी सुद्धा याचा निषेध केला. तामिळनाडू राज्यातील एका मिशनरी शाळेत 12वीतील मुलीने धर्मपरिवर्तन करण्यासाठी तिच्यासोबत झालेल्या मानसिक छळाला कंटाळून आत्महत्या केली. या घटनेच्या निषेधार्थ अभाविपच्या कार्यकर्त्यांनी चेन्नईत आंदोलन केले असता आंदोलनकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. याच घटनेच्या निषेधार्थ नागपूर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदतर्फे तामिळनाडू सरकार विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आल्या. आप सभी को पता होगा की तमिळनाडू यहाँ पे तंजापूर में सेंट हार्ट हायस्कूल में एक मिशनरी स्कूल में 17 वर्षीय लावण्या जो 12वीं कक्षा की विद्यार्थिनी थी उसको बड़जबरन मत परिवर्तन कन्वर्जन करने के लिए फोर्स किया गया. उसके तहत उसे अलग अलग प्रताड़ना से गुजरना पड़ा. तो 11 जनवरी को उसने विष प्राशन किया और 19 जनवरी को उसका देहांत हो गया. तमिलनाडु के इसमें जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आवाज़ उठाई और सीबीआई जांच की मांग की तब कल 15 फरवरी को जब एमके स्टालिन के बंगलों के सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ता और राष्ट्रीय महामंत्री निधिजी त्रिपाठी जब शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे तब उस डीएमके सरकार ने उनको अटक की और उन पर नॉन डिमांडेबल केसेस लगाए. इसका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नागपुर महानगर मंत्री तीव्र शब्द से निषेध करती है.